हेलो दोस्तों, मैं नीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीता इन द किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी खास्ता कचौरी चाट की रेसिपी, जो दिल्ली का स्पेशल है। दिल्ली में आपने देखा होगा हर जगह ठेले पर या साइकिल पर यह खास्ता कचौरी चाट बिकता है। ये खास्ता कचौरी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये खास्ता कचौरी 100% खास्ता बनेगी, इसकी गारंटी है। और चाट वाली सब्जी भी ना एकदम चटाकेदार बनेगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले कचौरी का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा, जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। 1 कप लिया है और 1/4 कप यानी टोटल 1/4 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन जिसे मैं हाथ से क्रश करके डालूंगी, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। इन सबको आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आटे को हाथ में ऐसे दबाएंगे तो आप देखेंगे ये बंधने लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम टाइट डो बनाएंगे। तो डो बन गया है, अब इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे और अब चाट वाली सब्जी बना लेते हैं। सब्जी एकदम चटपटी बने इसके लिए हम लेंगे कुछ मसाले, जैसे 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 2 टेबल स्पून सरसों तेल। यहाँ मैंने 8 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। इन्हें थोड़ा मैश करते हुए छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। तो हींग आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, इस रेसिपी में हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे 8-10 सेकेंड के लिए पका लेंगे। फिर कटी हुई हरे मिर्च को डालेंगे। उसके बाद सभी मसाले जो मैंने रखे हुए हैं उन सबको डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला भी डालेंगे और अब 1/4 कप पानी भी इसमें हम डालेंगे, ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से भून जाए। हल्के से मसाले भून जाए तभी हम इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। इसी से ग्रेवी में थिकनेस आएगी। इस समय जब हम बेसन ऐड करेंगे तो मसालों के साथ बेसन भी भून जाएगा। मसाले थोड़े से भून चुके हैं, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर, इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक, और सब्जी को ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काला नमक। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और लो फ्लेम पर टमाटर को मसाले के साथ तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर मैश होकर मसालों के साथ मिक्स न हो जाए। तो मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, जिसको मैं 2 बार करके डाल रही हूँ। अब मसालों की परफेक्ट भुनाई हो चुकी है, टमाटर भी मसालों के साथ मिक्स हो चुका है और आप देख रहे हैं किनारों से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। यहीं पर हम इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इस चाट के लिए हमें सब्जी की ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। अब हम इसे उबलने देंगे। तो जब तक सब्जी में बॉयल आए तब तक हम आटे को देख लेते हैं। आटा भी सेट हो चुका है, इसे हल्का सा गूंद कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जैसे पूरियों के लिए हम करते हैं ना वैसे। अब एक लोई लेकर हम बॉल बनाएंगे और छोटी छोटी पूरियां इसके हम बना लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जब पूरियां हम बेल लेंगे तब यहाँ हम एक खास ट्रिक लगाएंगे, नाइफ से पूरियों के बीच में हल्का हल्का कट लगा लेंगे। ऐसा करने से पूरियां फूलेंगी नहीं और बहुत ज़्यादा क्रंची बनेंगी। तो ऐसे मैंने इतनी सारी पूरियां बना ली है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले हम अपनी ग्रेवी को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ गया है। यहीं पर हम आलूओं को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। आलूओं को ग्रेवी के साथ मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे। उबाल आने लगा है इसमें। अब ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे
और एक मिनट तक इसे और पकाएंगे। फिर मैं इसमें ढेर सारा कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कसूरी मेथी डालने से ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है और टेस्टी भी लगता है, तो इसे ज़रूर डालें। अब इसकी थिकनेस अच्छी हो गई है। इसमें ग्रेवी पतला ही होता है और मैंने बेसन डाला था, वो पतले ग्रेवी को थिक बनाने में हेल्प करेगा। तो लीजिए, अब हमारा मज़ेदार चटाकेदार आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और पूरियों को तल लेते हैं। तो मैंने तेल गरम कर लिया है, अब पूरियों को इसमें डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो रखेंगे। जब लो रखेंगे धीरे धीरे पूरियाँ इसमें पकेंगी, तब जाके ये एकदम क्रिस्पी बनेंगी। ब्राउन होने पर पूरियों को हम निकाल लेंगे। तो मैंने इतनी सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना क्रंची बना है, आपको आवाज़ भी सुना रही हूँ। इन पूरियों को आप बनाकर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, कभी भी कोई चाट बनाए उसके साथ डाल सकते हैं, पापड़ी भल्ले चाट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक हफ्ते तक ख़राब नहीं होती है। अब हम चाट को सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूरियों को तोड़कर हम डालेंगे, फिर ऊपर से आलू की चटपटी सब्जी जो बनाई थी ना, पूरा ग्रेवी के साथ हम इसके ऊपर से डालेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज, चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। ऊपर से बारीक वाला नायलॉन सेव या भुजिया आप डालिए। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार दिल्ली का फेमस स्ट्रीट वाली खास्ता पूरी सब्जी चाट तैयार है। देखकर मुंह में आ गया ना पानी। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। एक्चुअल में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और टेस्ट तो इतना मज़ेदार होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आपने कभी भी ये चाट नहीं खाई होगी तो भी इसे ज़रूर बना लेना, यकीन मानिए सभी इसके फैन हो जाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और ऐसे डिलीशियस रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ ऐसे ही डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।